कितने घंटे खड़े रहे भाई, पूरा खड़ा कर रखा तूने भाई, खड़ा क्या कर रखा? अरे ऐसे गंदी गंदी जगह पे तो बुला दे, तुम जाम लगा हुआ हर जगह। उसको पीछे फेंक दूंगा भाई, उसको पीछे फेंक दूंगा। ₹270 कैश ले ले फिर तो। सो गाइस अभी पेट्रोल डलवाया हमने गाड़ी के अंदर, कितने का भाई मैं भूल गया, 2669 का पेट्रोल डलवाया हमने अभी। और अभी हम रास्ते में रुके हैं, यहाँ पर हम सैंडविच खा रहे हैं जो कि बिल्कुल पिज्जा जैसे लग रहे हैं, क्योंकि अंदर पिज्जा वाले सोच लिया है। और ये इसको आप जानते हो, ये है दीपेंद्र, ये हमारे लोकेश भाई, ये अजीम भाई हमारे करता धरता, जिन्होंने हमारे दो बार जॉब पर लगाया, उसके बाद हम 2 महीने में छोड़ के आ गए। और ये है बिल्कुल काला अद्भुत काला, और ये अजीम काला, और ये अंकुर भाई हमारे बहुत ही खास दोस्त है, बहुत ही ये गौ आदमी है, मुझे पैसे लेकिन इनको वापस नहीं करते, जो कि बहुत ही बुरी बात है। अगर आप किसी कभी पैसे लो तो प्लीज वापस करो, मुझे 1000 रुपए दे दो यार। तो चलिए अब एक काम करते हैं, आज जो मथुरा का ट्रिप है उसको स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पेट्रोल तो डलवाया, लेकिन एक इशू हो गया हमें ना, करना बात अपना पॉल्यूशन नहीं है भाई, बात कर लो, केस करवाओगे। तो अभी एक छोटा सा इशू हो गया कि हमारे पास ना पेट्रोल पूरा, पेपर पूरे, गाड़ी पूरी, लेकिन हमारे पास भाई पोल्यूशन नहीं है यार, पोल्यूशन एक्सपायर हो गया। और अभी हम गए थे तो बंद हो चुका है यार, अभी 6:30 हो रहे हैं, 6 बजे तक आखिरी खुलता है। कोई बात नहीं, अब रास्ते में जाएंगे, कहीं भी मिलेगा हमें पोल्यूशन का, जहाँ पे इस टाइम पे ओपन होगा तो पोल्यूशन कराएंगे, उसके बाद निकलेंगे। बाकी जय माता दी, राधे राधे, राधे राधे, अल्लाह अकबर। भैया डबल का कितने घंटे का होता है? 24 नहीं, सिंगल चाहिए मेरे को। बस स्पीड लिमिट कितनी है यहाँ की? 100। भाई देख लो फोटोज ले रहे हैं ये, ये तो गंदी थूत वाले लोग। भाई एक सीन हो गया, पता हो गया क्या हो गया यार, मैंने ना गलत जुराबे पहन लिए। एक पापा की मम्मी की नहीं, एक पापा की मम्मी की, मतलब वैसे नहीं, ऊंट वाली जुराब पहनता है ना। सुनो तो सही भाई, मैंने ना पहने तो सब दोनों करे, लेकिन एक एडिडास एक नाइकी की है। नहीं तू मम्मी की जुराब पहनता है ना, तो ऊंट वाली की है, शुभ होता है। मतलब इससे क्या होता है कि जब हम या तो अलग अलग जुराबे पहने, या फिर अंडरवियर अपना उल्टा पहने, अंडरवियर उल्टा पहन नहीं सकते इसलिए अलग अलग जुराबे पहनते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि सड़क वगैरह पे चौराहे पे वो लगा देते हैं ना, टोटके वाला सीन होता है कि मटके वगैरह चौराहे पे रख देते हैं, तो हम क्या लोग घर वाले बोलते हैं कि वहां से मत निकलो, है ना। अब किसकी कुछ केसेस में क्या होता है कि हमें क्या पता कभी ना दिखे, तो इसलिए ये होता है कि हम अलग अलग जुराब इसलिए पहनते हैं कि वो नेगेटिव जो होती है वो हमसे दूर। कुछ भी ऐसे ऐसे जो बातें करे ना उन लोगों से, भाई कतई दूर रहो, ये पक्का टोकरा करता है, इसको पता है। तो जिनकी बातें नहीं सुनते जल्दी से जाते हैं, थोड़ा चाय वाय पियेंगे हम। सो अभी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं है, बट हम अभी मथुरा के बीच में ही है, मतलब मथुरा पहुंच चुके हैं। और ये देख लो भाई, कोस्टा कॉफी चलते हैं और चाय मांगते हैं वहां पे। हेलो, चाय पीने वाले को अब आएगा मजा। तो गाइस हमारी चाय आ चुकी है यार, 50 रुपए की चाय में उन्होंने चीनी मिक्स करके दी, देखना अलग से दी चीनी यार। अब इसको लोकेश अपने घर लेके जाएगा। बढ़िया बढ़िया चाय, बढ़िया ना, अदरक की चाय, इलायची जैसी रही है। सो गाइस हम चाय पी चुके हैं और अब जा रहे सुसु करने, थोड़ा सा चाय पी चुके हैं फिर से।
कैमरे में देख के, सब कैमरे में देखेंगे। चाय पी चुके हैं। सो गाइस चाय पी चुके हैं और अब निकल रहे हैं यहाँ से आगरा की तरफ। यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है, नॉन स्टॉप चलेंगे, आराम चलेंगे, मस्त चलेंगे। बाकी अभी 11 बज चुके हैं, वहाँ पे जाके रूम लेंगे एंड देन सुबह की देखते हैं, सुबह या फिर मेरे ख्याल से 12 बजे की हम लेंगे ना टिकट। आफ्टरनून की भाई, आफ्टरनून की टिकट लेंगे वहाँ से, 6 बजे तक थोड़ा सनसेट देखेंगे। तो फिर वहाँ से हम जाएंगे मथुरा, कृष्ण जी के दर्शन करेंगे। बोलो राधे राधे, राधे राधे। वहाँ कितनी सुरीली आवाज है भाई। चलो चलते हैं। गाइस अभी हमने सेकंड टोल कटवाया है। एक्चुअली हमने अलग अलग टोल कटवाया था, वरना तो आप सातवीं आगरा का टोल कटवा सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी कंफर्म नहीं था कि हम पहले मथुरा जाएंगे या फिर आगरा जाएंगे। तो पहले हमने मथुरा का कटवाया था, जो मतलब टोल कटवाया था जो कि 275 का था। तो हमने पहले मथुरा का टोल कटवाया था जो कि 275 का था, एंड नाउ हम अभी जस्ट आगरा वाले टोल पे आए थे जो कि 140 रुपीज का कटा था। कोई टोल नहीं है, अब सीधा हम आगरा पहुंचेंगे। एंड आप चाहे तो इकट्ठे करवा सकते हैं, अगर आप सीधा आगरा जा रहे हैं तो आपका 475 कुछ रुपीज का टोल कटेगा। तो चलिए अब ज्यादा बातें नहीं करते, सीधा आगरा पहुंच के बात करते हैं। आगरा में जाएंगे, आप होटल लेंगे क्योंकि रात काफी हो चुकी है। तो चलिए अब आपको रोड दिखाते हैं, प्लेन रोड है, शाम की तरह शाम के 12 बजे। तो अब रोड देख सकते हैं, मजा आ रहा है मक्खन। सो गाइस आगरा पहुंच चुके हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हमारा ताजमहल है, लेकिन हम थोड़ा पहले रुके हैं। काटना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, काट देंगे इसको, बीप करना पड़ेगा। पिकाचू लगा दियो ना। हाँ पिकाचू लगा। सो गाइस अभी 2 किलोमीटर हम पहले रुके हैं ताकि हम होटल ले लें यहीं पे, क्योंकि पास में जाएंगे तो थोड़े महंगे होटल मिलेंगे। तो भाई यहाँ पर 2 चीजों का ध्यान रखना है हमें, एक तो ऑयल लेना, नहीं लेना वो महंगे होते हैं। तो भाई काम करो, बात कर लेते पहले, उसके बाद जब होटल फाइनल हो जाएगा कहाँ रुकेंगे तब दिखाऊंगा मैं आपको। गाइस अभी ना मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, एक बंदा मिला, उसने हमसे पूछा कि आपको रूम लेना है क्या। पहले तो मैं थोड़ी सी फटी, बट अंकल ने गुटका खाते हुए शक्ल को देखा, मैं कह रहा कि यार ये क्या ही कर पाएगा। तो अंकल ने बोला कि हमारा होटल का काम है, अगर आपको रूम चाहिए तो बताओ, इस टाइम पे ताजमहल बंद है। फिर मैंने मस्करी कर दी कि भैया इस टाइम पे तो बंद ही होगा, सुबह सुबह खोल देगा। हंसी नहीं, मस्करी थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी हम अंकल जी को फॉलो कर रहे हैं, वीडियो बनाओ। अभी हम थोड़ा डरे हुए हैं और थोड़ा क्यूरियोसिटी वाला दिमाग में है, क्योंकि हमें ब्लॉग तो बनाना ही है, कुछ फन तो चाहिए। ठीक है, तो अभी हम आ गए थोड़ा ना सिटी टाइप में, और ताजमहल कह रहे भैया बिल्कुल पास में है, ताजमहल की चोटी दिखती है वहाँ से, खैर तो मजा आ गया, पसंद आ जाए। और भैया ने ऐसा बोला है कि भैया रूम तो डेटी पसंद आ गया, भैया रूम तुमको पसंद आ गया। अभी हम होटल कौन कौन से, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम होटल के पास में पहुंचे हम, और उसका नंबर बता देता हूँ ना मैं लोगों को, इनकेस डप्पा उप्पा कर दिया तो घर वालों को नंबर बता जाएगा। इसकी बाइक का नंबर है DL14S L6823। बंदा सही बोला था, ये होटल RJ65 में ले आया, ये तो गलत होटल ले आया भाई। अंकुर देख के भाई ज्यादा बंदा उतरो, तुम तीन चले जाओ, दीपू तू और ये चले जाएंगे, हम तो यहाँ गाड़ी में भी तो रुकेंगे भाई। व्हाट्सएप तो तू लोकेश फिर यहाँ बैठ, हम तीन जा रहे हैं। नहीं नहीं जा जा नहीं, लोकेश जा, तू दीपू को बिठाता हूँ, रुका ना। हाँ दीपू को बिठा, दीपू तेरा दीपू आजा, आ गया ना, आ गया, नहीं तो यहीं पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो वीडियो बनानी है, होटल का नाम है आरजे पैलेस, और यहाँ पे हम आए हैं अभी अंकुर, लोकेश और अजीम भाई। अजीम भाई, अजीम भाई नाम है, क्या हो गया। तो अजीम भाई गए हैं होटल चेक करने, 1500 के रूम बताया, एक ही रूम में लगा जिसमें 4 बेड लगे होंगे, हम लगाएंगे 800 से लेकर 1200 के बीच में, हम तो जब पहन लगा कर सो जाएंगे, बाकी देखते हैं किनकी हो रहा है, लोग गलत सोचेंगे। ठीक है, तो भगवान जी चाय बता दी, तो अभी देखते हैं रूम कैसा है, बस रूम अच्छा हो, धर्मशाला वाला रूम ना हो। वैसे तो
होटल बाहर से देख के तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो कहते ना मत्था ज्यादा बड़ा नहीं है होटल का, मत्था ही बड़ा है। नहीं सकते, मत्था बड़ा है, बहुत बड़ा है आगे तक है। ओ माय गॉड, अच्छा हाँ, दुकाने बना रखी है, इतना बड़ा मत्था काट देंगे हम, मत्था काटेंगे लगा देंगे। तो लेट्स सी क्या होता है भाई, कुत्ते भौंक रहे हैं, डर लग रहा है, शांति का माहौल है। वो कुत्ता गायब हो गया, उसके पीछे छुप गया, तो ये डरा रहा है यार। तो लेट्स सी क्या होता है बाकी। अब सीन ये है हमारा कि हम यहाँ पे सोएंगे, सुबह उठेंगे 10 बजे करीब, क्योंकि एक तो बज गया है, बाकी तो ये मखोली तो करेंगे रात को, तो मखोली तो करेंगे रात को, तो ये वही 2-3 बज जाएंगे, सुबह सोएंगे और ये उठेंगे 10 बजे के करीब, फिर थोड़ा रेडी शेडी करेंगे, तो एग्जैक्ट 11:30 बजे निकल जाएंगे यहाँ से, 12 बजे ताजमहल पहुंचेंगे, 12 बजे की टिकट लेंगे जो आगरा की टिकट होती है, और 12 से 5-6 बजे तक यहाँ पे रुकेंगे। कोशिश तो ये यार, अभी तो सर्दी का टाइम है, तो सनसेट जल्दी होता है, लेट होता है? सनसेट जल्दी होता है सर्दियों में, 5 मैं होता हूँ 4:30 से 6:30 बजे तक के बीच में सनसेट डन है। तो 5:30 बजे सनसेट होगा, उसके तब तक यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा बढ़िया सा व्यू रहता है। रागा का ना एक गाना है, उसमें ना ताजमहल के बगल का ना एक खंडर की वो है, जहाँ से ना ताजमहल का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, वो ढूंढना ढूंढने क्या पता मिल जाए ना। तो जी वो अभी बात कर रहे हैं यार, हमसे बात करने लग गए हम लोग के बीच में यार, तो सॉरी भैया के लिए, कोई बात नहीं, बट द थिंग इज भावना है कि उसके बाद हम शाम तक निकले यहाँ से। जी भैया नहीं नीचे गए भैया, दोस्त गए चेक करने के लिए, गए लौंडे गए अपने, गंदा सॉरी। तो फिर शोर हो गया तेरा भाई लॉकडाउन में, ठीक है क्या करा यार। तो फिर शाम को निकलेंगे यहाँ से मथुरा की तरफ, मथुरा में अपने श्री कृष्ण जी के मंदिर घूमेंगे, पहले तो प्रेम मंदिर जाएंगे यार, बंदी मिल जाएगी अच्छी। ये गलत बात है, ऐसी गंदी गंदी बात नहीं करनी, गंदी लोगों में अश्लीलता नहीं फैलानी है, अश्लीलता है। मैं क्या ये बोल रहा हूं कि हमारी जवानी हमारी मम्मी या पापा लाएंगे, ठीक है ना। मे भी चल मार रहा हूं यार, मैं भी चल छोड़, मे भी जो मेरी वाली वो देख रही हो। प्रेम मंदिर घूमेंगे एंड देन बाकी बिहारी मंदिर, एंड लेट्स सी क्या क्या रहता है वहां का, क्योंकि मैं ना मथुरा गया ना मैं आगरा गया, प्लान तो हमारा ये है, बाकी एग्जीक्यूट कैसा रहेगा हमें नहीं पता। तो चलिए चलते हैं, अब आए नहीं अभी तक, इसको धपक तो नहीं लिया।